हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मेरे पास टीवीएस रेडर, तो चलिए बात करते हैं इसी बाइक के बारे में। यहाँ पर काफ़ी अपडेट्स हैं इसमें, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं इसकी सारी डिटेल विद ऑल न्यू अपडेट्स। तो आपके सामने यहाँ पर टीवीएस रेडर एंड आप देख रहे हैं इसका ब्लैक कलर। इसके अलावा तीन कलर ऑप्शन और देखने को मिल जाते हैं इसमें आपको, जो कि हैं ब्लू, रेड एंड येलो। तो यहाँ पर स्टार्ट करें सबसे पहले इसके फ्रंट लुक से। तो आप देखें कुछ इस डिज़ाइन में आपको यहाँ पर DRLs मिल जाएंगी, थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है डिज़ाइन। बाकी हेडलैम्प यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको फुल LED सेटअप में देखने को मिल जाते हैं। इधर आपको ऊपर R यानी रेडर की बैजिंग मिल जाएगी, ऊपर TVS की बैजिंग, एंड इधर आप देखेंगे तो इंडिकेटर्स आपको हैलोजन बल्ब के साथ में देखने को मिल जाएंगे। एंड जो इसके ब्रेक लीवर्स या क्लच लीवर्स आप देखेंगे तो ये आपको काफ़ी सॉलिड फिनिश में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जिस तरह की बाइक है उस हिसाब से यहाँ पर काफ़ी बढ़िया चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। एंड बात करें यहाँ पर इसके व्हील्स की, तो इधर आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा। टायर साइज़ की बात करें तो 80/117 सेक्शन का टायर मिल जाएगा, एंड डिस्क यहाँ पर आपको 240 mm का देखने को मिल जाता है। बाकी इधर आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर सस्पेंशन आप देखेंगे तो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नेट वगैरह मिल जाता है। तो इधर आपका इंजन यहाँ पर पूरा कूलिंग वगैरह इसकी मेंटेन रहेगी। साइड से लुक दिखाऊँ तो कुछ ऐसा लुक देखने को मिलता है यहाँ पर। एंड इधर आप देखेंगे तो इधर TVS का लोगो मिल जाएगा। बाकी रेडर की बैजिंग मिल जाएगी यहाँ पर 3D में। इधर आपका TVS इंटेलिजेंट को की बैजिंग मिल जाएगी। ये पार्ट आपका पूरा ब्लैक में है, ग्लॉसी ब्लैक, एंड ये आपका नॉर्मल मैट ब्लैक कह सकते हैं, नॉर्मल ब्लैक कह सकते हैं। एंड ये पोर्शन आपको ग्रे से देखने को मिल जाता है। बाकी इधर आपको TVS की बैजिंग मिल जाएगी इसके इंजन में। यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर आपका ब्रेक्स वगैरह मिल जाएंगे, एंड फुटपैक्स वगैरह काफ़ी सही देखने को मिल जाते हैं। ये आपको एल्यूमिनियम फिनिश में इधर देखने को मिल जाता है सिल्वर में, एंड सेम कलर में आपका इसका एग्जॉस्ट का ये पूरा कवर वगैरह देखने को मिल जाता है। एंड बात करें यहाँ पर इसके इंजन की, तो इसमें आपको 125 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन देखने को मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 11.4 PS की पावर एंड 11.2 Nm का टॉर्क। बाकी यहाँ पर रियर व्हील्स वगैरह की बात करें तो इधर भी आपको अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। एंड टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको 190/17 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है रियर में। बाकी इधर ये पार्ट भी आपका एग्जॉस्ट का पूरा सिल्वर में दिया हुआ है। रियर से आपको लुक दिखाऊं तो कुछ ऐसा लुक देखने को मिलता है। अगर आपको एक की होल देखने को मिल जाए तो आप सीट वगैरह ओपन कर सकते हैं। एंड रियर लाइट्स आपको पूरा LED में देखने को मिल जाती हैं। इधर आपका हैलोजन बल्ब में इसके इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। एंड इस साइड से आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है। बाकी ओपन चेन सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इस बाइक में। आपको इसको क्लीन भी करते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम। एंड ये पार्ट आप देखें तो सेम ग्रे कलर में देखने को मिलता है, जो कि आपको इधर देखने को मिल रहा था। बाकी इधर आपको रेडर की बैजिंग मिल जाएगी। इधर आपका 5-स्पीड ट्रांसमिशन इसमें देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा इधर आपको साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड दोनों यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बाकी इधर आपको इंजन के लिए कवरिंग वगैरह मिल जाएगी। इसके अलावा ऊपर में आपको इधर TVS का लोगो वगैरह मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर बात करें इसकी सीट्स वगैरह की, तो सीट्स इधर आपको काफ़ी सॉफ्ट देखने को मिलती हैं, एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी स्प्लिट सीट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी एंड काफ़ी ज़्यादा वाइड हैं, जो भी इस पर बैठेगा काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। एंड इसके अलावा बात करें यहाँ पर फ्यूल टैंक की, तो काफ़ी नैरो डिज़ाइन यहाँ पर फ्यूल टैंक का देखने को मिलता है। एंड ये पोर्शन जो है आपका पूरा ये रबराइज दिया हुआ है, या यहाँ पर प्लास्टिक यूज़ किया गया, जिसकी वजह से आपका टैंक पर स्क्रैचेस वगैरह का चक्कर नहीं रहेगा कि यहाँ पर आप बैठे हैं बेल्ट वगैरह आपने लगाई हुई है तो उसकी वजह से टैंक पर स्क्रैच पड़ रहे हैं, वो प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो E20 की बैजिंग मिल जाएगी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 10 लीटर के देखने को मिलती है, थोड़ा सा यहाँ पर कम है। बाकी माइलेज अच्छा है तो हो सकता है आपको उतना मैटर ना करे। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको USB चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड बात करें यहाँ पर हैंडल बार एंड स्विच गियर्स वगैरह की, तो यहाँ पर काफ़ी सही इसकी ग्रिप वगैरह देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपका जो गियर ये क्लच लीवर्स और ब्रेक लीवर्स हैं, ये मैंने आपको बताया, काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। एंड इसके साथ ही साथ इधर आप देखेंगे तो ये जो आपका मिरर्स हैं, इस पर आपको कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट काइंड ऑफ डिज़ाइन दिया हुआ है। बाकी काफ़ी सही यहाँ पर मिरर्स देखने को मिल जाते हैं। स्विच गियर्स की क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी सही देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर दी हुई है। इधर आपका पास साइड का स्विच मिल जाता है, यहाँ पर आपका हाई बीम लो बीम। इधर आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाऊँ मैं अब, तो आपको फुल डिजिटल में देखने को मिल जाएगा। इधर दोनों साइड में आपको लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा। इस साइड में आपका इंजन में फंक्शन लाइट, लो फ्यूल वार्निंग वगैरह मिल जाएंगी। हाई बीम साइड स्टैंड के लिए आपको यहाँ पर वार्निंग वगैरह देखने को मिल जाती है। तो जैसे यहाँ पर मैंने साइड स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वार्निंग तो मिल ही रही है,
इधर भी आपका फ्लैश होता रहेगा कि आपको आपकी बाइक में यहाँ पर साइड स्टैंड लगा है, तो प्लीज़ उसे हटा लें। और यहाँ पर जैसे ही मैं इसे हटाऊंगा ये वार्निंग यहाँ से चली जाएगी। इसके अलावा इधर आप देख रहे होंगे तो ये आपका अभी लाइट थीम में पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सेंसर है, इस पर इसको मैं हाइड करता हूँ तो ये धीरे धीरे यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस कम होती गई और लास्ट में एकदम इसका पूरा ये थीम ही यहाँ पर चेंज हो गया, जो कि एक डार्क मोड काइंड ऑफ में चेंज हो गया है। एंड इसके अलावा इसका जैसे ही मैं इको से पावर में चेंज करूँगा तो यहाँ पर पूरा ये इसकी थीम यहाँ पर चेंज हो जाएगी, पूरा यहाँ पर कलर वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। इसके अलावा अभी आप देखेंगे तो इधर काफ़ी ज़्यादा ये ब्राइट देखने को मिल रहा है, ऐसे मैं हाइड कर लेता हूँ तो कुछ यहाँ पर अभी देखेंगे ब्राइटनेस कम हो गई और वैसे ये शिफ्ट हो गया। तो इसके अलावा इधर आप देखेंगे न्यूट्रल एंड इधर आपका आरपीएम मीटर, पावर, ये सारी चीज़ें आपको पावर मोड में इसलिए शो हो रहा है। एंड इधर आपका स्पीडोमीटर, इधर टाइम, ये सब चीज़ें, ओडो, एवरेज, ट्रिप, ये सभी कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अलावा बाकी यहाँ पर इस बटन का यूज़ करते हुए आप सारी इन्फॉर्मेशन इधर चेंज कर सकते हैं, जैसे ट्रिप हो गई आपकी और इसके अलावा रेंज, एवरेज माइलेज, ये सारी चीज़ें इधर आपको दिखते रहेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट इस बाइक को बना दिया गया। बाकी यहाँ पर आप इसमें अपना फ़ोन वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा इसमें आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपकी कॉल वगैरह हो गई या मैसेजेस वगैरह हो गए, नोटिफिकेशन से सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अब आपको सुनाते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट। तो यहाँ पर कुछ ऐसा एग्जॉस्ट नोट आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी काफ़ी बेसी साउंड यहाँ पर थम्पी देखने को मिलता है। एंड काफ़ी एफर्टलेसली ये बाइक स्टार्ट होती है, जस्ट प्रेस ऑफ हाफ सेल्फ बटन एंड योर बाइक विल गेट स्टार्टेड। तो ये थी इस बाइक की साइड डिटेल। बाकी अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की तो आपको कॉस्ट करती है 1,04,400 रुपीज़ एक्स शोरूम। एंड अगर आप इस बाइक को देखने लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में शोरूम की डिटेल्स मिल जाएंगी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड इसी तरह की वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।